हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही शॉर्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, हेयर फॉल प्लस डैंड्रफ। जी हाँ, हेयर फॉल और डैंड्रफ अगर दोनों हैं तो हमें क्या करना है। तो मैं डॉक्टर दिव्य चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, हेयर फॉल के कारण, डैंड्रफ के कारण और क्यों होता है, ये एक सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो में ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहां पर सिर्फ मेरा मेन मुद्दा है, चूंकि ठंडियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसा देखा गया है जब गर्मी से ठंड या ठंड से गर्म का जब भी वेदर आता है तो मेल फीमेल दोनों को ही हेयर फॉल प्लस डैंड्रफ की समस्या काफी ज्यादा देखी जाती है। उसी पॉइंट को याद रखते हुए यहां पर एक पेट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जो कि 99% केसेस में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और आपका हेयर फॉल भी रुकेगा और आपका डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन, अगर सिर्फ और सिर्फ आप डैंड्रफ से परेशान हैं या रूसी से परेशान हैं, तो आप आर्मोरेसिया सेटाइवा नामक मदर टिंचर को सियोनेथस मदर टिंचर के साथ इक्वल मात्रा में मिला लें और अपने बालों की जड़ों पर लगाएं। आप इन दोनों को एक तेल में, चाहे तो मस्टर्ड ऑयल, जी हाँ सरसों के तेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेटर रिजल्ट के लिए अर्निका हेयर ऑयल अगर आपको सूट करता है, या जाबुरांडी हेयर ऑयल, इनके साथ आप मिला सकते हैं। अगर आप तेल लगाने के अगले दिन रोज़ शैम्पू करना प्रिफर करते हैं तो मैं आपको मना, क्योंकि रोज़ शैम्पू करने से बालों की जो रूट्स होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं और एक्स्ट्रा ड्राइनेस बालों की जड़ों के लिए नुकसानदेह है। तो आप हर दो दिन बाद इस तेल को मदर टिंचर के साथ मिलाकर आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप रोज़ दवा लगाना चाहते हैं तो सिर्फ डायरेक्टली आप सियोनेथस अमेरिकाना और आर्मोरेशिया सेटाइवा मदर टिंचर का जो मिक्सचर है उसे चंपी के रूप में अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं, और नेक्स्ट डे आपको तेल जैसा कुछ फीलिंग नहीं आएगा क्योंकि मेडिसिन रात में उड़ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा है और डैंड्रफ की समस्या कम है, तो आप यहाँ पर एलियम सीपा नामक मदर टिंचर, जी हाँ प्याज से बना ये मदर टिंचर है, इस मदर टिंचर के साथ सियोनेथस मदर टिंचर, जाबुरांडी मदर टिंचर, अर्निका मदर टिंचर, और लास्ट में दोस्तों ब्राह्मी मदर टिंचर। ब्राह्मी आयुर्वेद में हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जो कि होम्योपैथी में भी अवेलेबल है। इन पाँच मदर टिंचर को आप मिलाकर किसी भी एक तेल के साथ, या अर्निका तेल ले लें या जाबुरांडी हेयर ऑयल ले लें, जो भी आपको सूट करता है उसमें इक्वल मात्रा में मिला लें और हर दो दिन बाद अपने बालों की जड़ों पर इसे अप्लाई करें। अगर आप अगले दिन शैम्पूइंग अवॉइड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इन पांच मदर टिंचर्स को चंपी के रूप में, जी हाँ थोड़ा सा कटोरी या हाथ में लेकर डायरेक्ट रूट पे अप्लाई कर दें। अगले दिन आपको ऑयल नहीं फील होगा क्योंकि आप डायरेक्टली पांचों मदर टिंचर अप्लाई कर रहे हैं विदाउट ऑयल के, और आपको शैम्पू भी अप्लाई नहीं करना होगा। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों, अगर आप हेयर फॉल और डैंड्रफ दोनों से ही परेशान हैं तो आप इन पांचों मदर टिंचर के साथ आर्मोरेशिया सेटाइवा मदर टिंचर को मिलाकर बालों की जड़ों पर रोजाना लगाएं, और अल्टरनेट डे या दो दिन तेल के साथ अर्निका या जाबुरांडी ऑयल के साथ मिलाकर लगाएं। आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि कम से कम आप इसे 45 डेज या अप टू 60 डेज, जी हाँ लगभग दो महीने आप इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।